अस्सलामुअलैकुम ऑल माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जी हाँ, विंटर का सीज़न चल रहा है और इस विंटर के सीज़न में बहुत सारी शादियाँ पार्टियाँ आपको अटेंड करना होती हैं, या तो आप वहाँ तैयार होने जाते हैं पार्लर में, या फिर आपको घर पर ही अपना मेकअप खुद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप पार्लर जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेंगी अमाउंट, इसके लिए पे करना पड़ता है। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसा HD ब्राइडल बेस, HD कस्टमाइज बेस लेके आई हूँ, जो पार्लर सीक्रेट है, जो आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं। और ये जो मैं आज आपको बेस बनाना बता रही हूँ ना, ये एक ऐसा बेस है जो आपकी स्किन को नरिशमेंट भी देगा, आपका मेकअप बिल्कुल केकी नहीं होगा। आप यहाँ पे एक क्लिप देख सकते हैं छोटी सी, जब आप स्टेप बाय स्टेप इस कस्टमाइज बेस को रेडी कर लेंगे ना, तो कुछ इस तरह का ये आपको लुक देगा और आपका मेकअप बेस कुछ इस तरह से होगा। आपको डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा। आपने इस तरह से एक कस्टमाइज बेस तैयार करना है और ये इतना ज़्यादा ग्लोइंग होता है, इतना ज़्यादा, और वाटरप्रूफ भी होता है। आप पूरी पार्टी आप अटेंड कर लेंगे पर ये आपकी स्किन से हटेगा नहीं, कैकी नहीं होगा, ग्रे नहीं होगा और बहुत ही अच्छा आपको लुक देगा। सब आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने मेकअप कहाँ से कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप इस तरह से एक कंटेनर ले लें और फिर आपने उसमें लेना है एक लिक्विड कंसीलर। जी हाँ, आपने लेना है एक लिक्विड कंसीलर। और लिक्विड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि विंटर का टाइम है, तो हमें लिक्विड कंसीलर लेना है। यहाँ मैं टीन का प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अभी थोड़ी ही क्वान्टिटी में यहाँ पर प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही बनाना है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपने लेना है सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है हमारा फाउंडेशन। जी हाँ, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका, आपने फाउंडेशन ले लेना है। मैं यहाँ पे फिटमी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये एक लिक्विड फाउंडेशन है, आपके पास जो हो लिक्विड फाउंडेशन आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा कवरेज देती हो। तो ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हमने क्या ऐड करना है इसमें, हम इसमें ऐड करेंगे कंसीलर। जी हाँ, पैनकेक कंसीलर जो होता है ना, हमें वो यूज़ करना है। यहाँ मेरे पास लैक्मे का है। अगर आपके पास कोई दूसरा हो या आपके पास कोई पैनकेक फाउंडेशन हो तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें ये लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ हमने ज़रा सी क्वान्टिटी में इसको हमने मिला लिया है, मिक्स करना है। फिर हमें इसको, हम यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप वो भी इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें क्या, वो आप देखें यहाँ पे। अब हमें मिलाना है इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर। जी हाँ, यहाँ पे हम थोड़ी सी क्वांटिटी में कॉम्पैक्ट पाउडर को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कॉम्पैक्ट पाउडर को क्रश करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर ले लेना है। मैं यहाँ पर लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी लैक्मे का या जो भी आपके पास हो आप यूज़ करते हो, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसमें और इंग्रेडिएंट मिक्स करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है, इस तरह से आपको कलेक्ट करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसमें मिलाना है हाइलाइटर। थोड़ा सा आपने हाइलाइटर लेना है। यहाँ मैं कलर एसेंस का हाइलाइटर मिक्स कर रही हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास जो हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर एसेंस का थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड कर लिया है। आप देख सकते हैं पैलेट में, इसी तरह से आपको भी ले लेना है। और ट्रस्ट मी, आप जब इस तरह से एक मेकअप बेस रेडी करेंगे ना, तो आप पार्लर जाना भूल जाएंगे। ये जो आज कस्टमाइज HD मेकअप बेस में आपको बनाना सिखा रही हूँ ना, ये जो मेकअप बेस है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक आप इसे मेकअप रिमूवर से रिमूव नहीं करेंगे, बिल्कुल रिमूव नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपने इसमें मिलाना है प्राइमर। जी हाँ, मेरे पास है यहाँ पे लैक्मे का प्राइमर। इसका आपको मेरे चैनल पर रिव्यू भी मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से जाके वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ये वाला प्राइमर है, मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी जगह आप कोई दूसरा भी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्राइमर है जो आप समर में, विंटर में, एनी सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑल टाइम इसे ही यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये मिक्स किया है। तो आपको ज़रा सी क्वांटिटी में इसको मिक्स कर लेना है। अमेजिंग है ये वाला, जो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये वाला जो
प्राइमर है, इतना अच्छा है, आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके आप वॉच कर लें। अच्छा जी, इसके बाद हमें मिलाना है इसमें मॉइस्चराइज़र। जी हाँ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है हमारा कस्टमाइज HD विंटर स्पेशल मेकअप बेस बनाने के लिए। तो आपने ज़रा सी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र को मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, ये हो गया। आप देख ही सकते हैं हमने सारे इंग्रेडिएंट को स्टेप बाय स्टेप हमने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इन सभी इंग्रेडिएंट को ना अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एक ब्रश ले लें और इस ब्रश की हेल्प से आप सारे इंग्रेडिएंट को ना अच्छे से मिक्स कर लें। ये जो स्टेप है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने सारे इंग्रेडिएंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक वो एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। ये जो कस्टमाइज बेस होती है ना, इसको आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। बट मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप मेकअप करने से आधा एक घंटा पहले इसको बनाकर रख लें और फिर आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अच्छा जी, अगर आपकी जो मेकअप बेस है वो केकी हो जाती है, ग्रे हो जाती है और फ्लैकी रहती है विंटर में, तो ये उसका सल्यूशन है। आप इस मेकअप बेस को यूज़ करें और 100% ये अमेजिंग मेकअप बेस है जो वाटरप्रूफ है और आपको डिफरेंसेस नज़र आएंगे। आप अभी मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, तभी आप एक बेहतरीन मेकअप बेस बनाना सीख पाएंगे। अच्छा जी, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मेकअप बेस है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमें इसे अप्लाई करना है, बट अप्लाई करने से पहले आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पे अप्लाई ज़रूर करें। पहले तो आप अपनी स्किन को मेकअप के लिए रेडी कर लें, अच्छे से प्रेप कर लें, जो भी आपका रूटीन होता है ना CTM रूटीन वो कर लें। उसके बाद आपने एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, अपनी स्किन को हाइड्रेट करना है। जितना ज़्यादा आपकी स्किन हाइड्रेट होगी उतना ही ज़्यादा जो आपका मेकअप है वो ग्लो हो और फ्लॉलेस नज़र आएगा। उसके बाद आपने ये मेकअप को, जो मेकअप बेस हमने बनाया है ना, इसको अप्लाई करना है। आप इसे ब्रश से पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर ले। मैं यहाँ पे हैंड पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इसी तरह से फेस पे भी आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आप एक स्पंज ले लें, उसको हल्का सा वेट कर लें। उसके बाद आप इससे डैब 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 करके पूरे अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लें। तो जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना वो सब आपके जो ब्लेंडर होते हैं ना उसमें आ जाता है और जितना आपकी स्किन को ज़रूरत होती है वो आपको एक फ्लॉलेस बेस मिल जाता है। तो इस तरह से आपने बहुत ही जेंटली, बहुत ही लाइटली आपने इसको डैप करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने अपने बेस को सेट करना है, अच्छे से आपने डैप करना है, बहुत ही अच्छे से आपने इसको फिनिशिंग देना है। यहाँ मैं आपको एक टिप्स दे देती हूँ, अगर आपकी जो स्किन है वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई है, मॉइस्चराइज़र के बाद भी ड्राई रहती है, तो आप आलमंड ऑयल यूज़ करें। और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपके लिए सिर्फ मॉइस्चराइज़र विंटर में काफ़ी होता है। क्यों? क्योंकि हम एक विंटर स्पेशल बेस बना रहे हैं तो उसमें मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो बेस है वो ग्लोइंग और फ्लॉलेस लगेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो बेस है वो हमने अप्लाई कर ली है। ये जो बेस है ये आराम से 6-7 घंटे आपके फेस पे बिल्कुल टिकी रहती है, बिल्कुल भी निकलती नहीं है आपके फेस से जब तक आप इसे रिमूवर से रिमूव ना कर लें। आपको डिफरेंसेस मेरे हाथों पे नज़र आ रहे होंगे, जहाँ मैंने अप्लाई किया है वो आप हैंड देख सकते हैं। इसी तरह आपके फेस पर भी ग्लो आएगा और ऐसा ही आपका फेस भी लगने लगेगा। ये जो मेकअप बेस है बहुत ही अमेजिंग है, आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। अच्छा, इसको सेट करने के लिए ना हमें इसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा हमें डैप करना पड़ेगा, तो आप इसको डैप कर लें। मैं यहाँ पे लैक्मे का ही यूज़ कर रही हूँ, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का आपने इसको प्रेस करना है ताकि जो आपका मेकअप बेस है वो और ज़्यादा फिक्स हो जाए, सेट हो जाए। और इस तरह से आपका जो मेकअप बेस है ना बिल्कुल भी फटेगा नहीं, कैकी नहीं होगा, उस पर क्रीस नहीं आएंगे और 6-7 घंटे तक आपका मेकअप बिल्कुल इसी तरह से बना रहेगा वाटरप्रूफ। ये एक ऐसी कस्टमाइज HD मेकअप बेस है, जब आप इसे एक बार बनाना सीख जाते हैं और घर पर ही आप खुद से तैयार होने लगते हैं तो आप सच में पार्लर जाना भूल जाते हैं। फिर आपको पार्लर से अच्छा खुद अपना मेकअप करना लगेगा, ट्रस्ट मी, ये इतना अमेजिंग होता है। अच्छा जी, इसको फिर आपने एक अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे से ना सेट कर लेना है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का, आप
आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो सेटिंग स्प्रे से इसको सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ग्लो कितना ज़्यादा ग्लो आपका ये जो मेकअप बेस है वो लग रहा है, और ऐसे ही आपके ये फेस पे भी नज़र आएगा। बहुत ही ज़्यादा ग्लो देता है, केकी नहीं होता, वाटरप्रूफ है, और जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, स्पॉट्स हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, एक्ने हैं, इन सब को ये कवर भी कर लेता है। अच्छी खासी आपको ये हाई कवरेज देता है। आपको फ़र्क नज़र आ ही रहा होगा मेरे दोनों हैंड्स में, एक विद मेकअप और एक विदाउट मेकअप। ये है HD ब्राइडल कस्टमाइज विंटर स्पेशल मेकअप बेस। जी हाँ, जो आज आपने स्टेप बाय स्टेप देखा कि आप किस तरह से घर पर ही इसको बनाकर खुद अपना मेकअप कर सकते हैं। ये जो आज हमने कस्टमाइज मेकअप बेस बनाई है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक देता है और बहुत ज़्यादा ये आपके स्किन को ना हाइड्रेट करता है, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और आपको बहुत ही अच्छा फिनिशिंग वाला ग्लोइंग मेकअप बेस देता है। तो एक बार आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे मेरे उस हैंड में जिसमें मैंने मेकअप बेस लगाया हुआ है और उस हैंड में जिसमें मैंने मेकअप बेस नहीं लगाया है। तो इसी तरह आपका फेस आपको मेकअप करने के बाद, मेकअप बेस लगाने के बाद लगेगा, तो ये बहुत ही अच्छा आपको मेकअप लुक क्रिएट करके देता है। नेचुरल फिनिश और हाई कवरेज के साथ ये मेकअप बेस आप घर पर ही बना सकते हैं। तो पार्लर जाकर एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने की अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप घर पर ही HD कस्टमाइज मेकअप बेस बनाना सीख चुके हैं। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ये जो कस्टमाइज बेस है इसे आप पार्टी मेकअप करते वक्त और शादियों का मेकअप करते वक्त, या आप अपनी ब्राइड को अगर घर पर ही रेडी कर रहे हैं तो आप ये वाला बेस अप्लाई कर सकते हैं। आपको बिल्कुल पार्लर जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। पार्लर में क्या होता है, पहले से ये कस्टमाइज मेकअप बेस बनाकर रख ली जाती है और जैसे ही क्लाइंट्स आते हैं उनको ये इंस्टेंट अप्लाई कर दी जाती है। तो फिर जो रिज़ल्ट हैं काफ़ी अच्छे वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही अच्छे से इन्होंने हमें रेडी किया हुआ है, हम घर पर तो ये कर ही नहीं सकते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना मेकअप घर पर ही पार्लर से बेहतर कर सकते हैं। बस आपने अपने हिसाब से इस कस्टमाइज मेकअप बेस को ना हैंडल करना आना चाहिए। मैंने जो आपको स्टेप्स बताएंगे ना, बिल्कुल उसी तरह आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने हिसाब से, अपने फेस के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं उनको अच्छे से आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो जी, ये था मेरा आज का वीडियो इस HD कस्टमाइज मेकअप बेस के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।